मोगा विच वख-वख जिलों तो पहुंचे मुसलमान भाईचारे के नुमाइंदियां ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर पत्रकारों नाल गलबात करदिया विशेष तौर पर पटियाला तो पुजे मुस्लिम भाईचारे के आगुआ ते मोगा तो मुस्लिम भाईचारे की नुमाइंदगी कर रहे सरफराज अली ने गलबात की। मैं एच आर मोफर प्रधान मुस्लिम फ्रंट पंजाब, अज असी मीटिंग की है पंजाब वक्फ बोर्ड के जो गलत फैसले उन्होंने खिलाफ पंजाब के समुचे मुसलमानों के जो मूल निवासी ने पंजाब के उन्होंने क्रोध पाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब वक्फ बोर्ड तकरीबन 172 पोस्टा कढ़न जा रहा है जिदे वास्ते उन्होंने साड़ी माँ बोली पंजाबी की पिठ के छुरा मार के इतों के जो पंजाबी ने मूल पंजाबी ने उन्होंने पिठ के छुरा मार के एक ऐसा किरतघन काम किया। इन्होंने एक मता लिया कि पंजाबी की जी दसवीं पास की एक जी शर्त है उसनों खत्म करना चाहते हैं, उस तो छोट लेना चाहते हैं। कारण की है, क्योंकि जे पंजाब दे विच इन्होंने मतलब शर्त लाजमी रखी तो इन्हों वास्ते जो यूपी के बिहार तो बच्चे ने वो इतने अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वह सब तो बड़ा कारण की है, क्योंकि साढ़े को जो पांच मैंबर ने गे वो पंजाब के ने, तो बाकी जोड़े दूसरे मैंबर ने साडे चेयरमैन साहब के समेत वो सारे जी उतों के यूपी और बिहार तो ने गे, जिदे चेयरमैन जुनेद रजा साहब रामपुर तो ने गे वो यूपी के ने, साडे फरूकी साहब है वो बाहर के ने वो इतों का उन्होंने कोई वास्ता नहीं है, तो दूसरे जोड़े होर मैंबर ने गे वो भी कोई भी इतों का है नहीं। कई मैंबर अपने आप को पंजाब के कहते हैं लेकिन वो मूल निवासी नहीं। मैं इतने गल क्लीयर कर देना चाहना कि उन्होंने अपने आधार कार्ड इतों के बना लिया है, इतने रह रहे हैं, लेकिन जोड़ा उन्होंने हेज है वो अपने यूपी के बिहार नाल ही है, जिस करके पंजाब के जोड़े समुचे मुसलमान ने गे उन्होंने बच्चों ये दरकनार कर रहे हैं। पंजाब के बच्चों एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। पहला साड़िया प्रॉपर्टियां बेचिया गई नेगियां, साड़िया प्रॉपर्टियां इन्होंने खुरद बुरद कर दित्तियां ने, हुण साडे बच्चों का भी खलवाड़ कर रहे हैं, जिस करके असीं ये कदे भी बर्दाश्त नहीं करांगे। अज असीं समुचे पंजाब के कोरोना वायरस की मद्देनजर असीं समुचे पंजाब चों एक एक दो दो बंदे बुलाए ने, जिदे चों असीं पटियाला संगरूर मानसा बठिंडा मोगा फरीदकोट फिरोजपुर बरनाला अपना मलोट तो मुक्तसर वगैरह सारे जो होर भी जिले कपूरथला जलंधर फिरोजपुर ये सारे जिले अच्छे साढ़े को बंदे आए हुए हैं। असी यही फैसला किया कि जो भी करना पूसानू असी वो करांगे, क्योंकि सब तो बड़ी गल ये है कि जी माँ बोली है माँ बोली ना ही एडा वड्डा खिलवाड़ किया जा रहा है। किडे दुख और शर्म की गल है कि पंजाब राज दे विच जिथे दसवीं पास पंजाबी लाजमी है किसी भी भर्ती वास्ते उसनू ये दरकनार करने की कोशिश कर रहे हैं और दरकनार कर रहे हैं कर चुके हैं गे। मैं उन्होंने जिहड़े पंज मैंबर जिहड़े पंजाबी पंज मैंबर ने जिहड़े मलेरकोटला तो उस्ताद मोहम्मद लिबड़ा जी ने जिन्हां ने यह स्टैंड लिया, मैं उन्होंने तुहाडे माध्यम राही सल्यूट करना और उन्होंने असीं सन्मानित भी करांगे। असी मलेरकोटला के लोगों सन्मानित भी करांगे, क्योंकि उन्होंने पंजाबीयत की राखी की है। एक मैंबर जी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, है पंजाबी लेकिन बड़ा पढ़िया लिखा है, उसने पता नहीं साड़ी पंजाबीयत दी और पंजाब के मुसलमान की पिट्ठ क्यों छुरा मारिया। अगर वह मैंबर कला वोट ना दिता उन्होंने हक के कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं थोड़े माध्यम राही मुख्यमंत्री पंजाब चीफ सैकटरी पंजाब मिनिस्टर होम सैकटरी पंजाब तो बाकी जेडे भरातरी जथेबंदियां ने जमहूरी जथेबंदियां ने बाकी सियासी पार्टियां ने उन्हां सब नूं मैं तुहाडे माध्यम राही अपील करदा कि वह इस मुद्दे नूं लैण और इस मुद्दे नूं उठाउण। मैं मुख्यमंत्री पंजाब नूं दुबारा फिर बेनती करदा कि अजिही मतलब जो ये घनौन काल चाल चल रहे ने इस नूं ये कदे भी मंजूर ना करन, और अगे तो एक बेनती होर भी करदा जिहड़ी खास मैं कहना चाहुंदा कि पंजाब दे विचों ही जिहड़े मैंबर ने पंजाब दे मूल निवासी ही जिहड़े बोर्ड दे मैंबर ले जाण ते जिहड़ा चेयरमैन है वह पंजाब दे विचों ही लै जावे ते हर जिले नूं इस दे विच नुमाइंदगी दित्ती जावे। मोगा तो हरपाल सहारन की रिपोर्ट द टीवी NRI।